फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज हम लोग फाइनली खेलने जा रहे हैं पोकेमोन लेट गो पिकाचू। और भाई साहब, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट दिया था कि इस दिवाली के अंदर भाई पोकेमोन लेट गो पिकाचू का गेम प्ले भी आने वाला है। तो गाइज, तुम्हारा भाई आ चुका है। तो और भाई, एक और बात, मैंने निंटेंडो स्विच भी परचेज कर लिया है। ओलेड वर्जन, ओएलईडी वर्जन मैंने परचेज नहीं किया है, लेकिन उसका जो सेकंड वर्जन है V2, वो मैंने ले लिया है, क्योंकि दोनों में उतना कुछ फर्क नहीं है। तो चलो यार, अभी हम लोग एंटर करते हैं पोकेमोन की दुनिया में। और लिटरली इसके ग्राफिक्स भी इतने ज़्यादा कमाल है भाई, मैंने सोचा नहीं था। और मैं ना भाई, जो खेल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि भाई ऐसे ही अंधा मैंने गेम ऑन कर दिया। भाई मैं ट्यूटोरियल वगैरह देख के खेल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिगन गेम करते हैं। सबसे पहले हमें मिलेगा पिकाचू, वो भाई। और भाई, जो भी भाई सोच रहे हो ना, जो शुरुआत में हमें चार्मेंडर वगैरह मिलेगा, बल्बसोर, स्टार्टर पोकेमोन मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में हमें पिकाचू मिलेगा। हर प्लेयर को पिकाचू मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदे को पिकाचू मिलेगा, भाई चूज़ करने का ऑप्शन ही नहीं है, पिकाचू ही लेना पड़ेगा। चलो यार, यहाँ पर हमारी मीट हुई है प्रोफेसर ओक से, और इन्हें तो हम लोग जानते ही हैं। ये हमारे प्रोफेसर ओक हैं और ये पोकेमोन के ऊपर रिसर्च करते हैं। यार ये सब समझाने की बात नहीं है भाई, पोकेमोन के बारे में बहुत ज्ञान पेल रहे ये तो। यार हमें सब कुछ पता है यार, एक एक पोकेमोन के नाम पता है। और आई स्टडी पोकेमोन एज प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन है पोकेमोन के बारे में स्टडी करना। और ये एक साइंटिस्ट है, प्रोफेसर साइंटिस्ट, वही एक ही मान लो। चलो यार, यहाँ पे कैरेक्टर चूज़ करते हैं जो कि बढ़िया दिखने में होगा। हम लोग नंबर 1 वाला लेंगे, कैजुअल, और हम लोग मेल है तो मेल ही लेंगे। चलो यार ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा नाम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो यार, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं रैडर प्लेस। ओके, थोड़ा सा टाइप करना मुश्किल हुआ इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। चलो यार, यहाँ पे रैडर प्लेस जो नाम है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अब देखते क्या होता है। ओके, ये रहा हमारा प्यारा सा छोटा सा पिकाचू। और ये कौन है भाई? हेलो, दिस बॉय हियर इज योर फ्रेंड। अच्छा, ये हमारा राइवल होगा, मतलब हमारा कंपटीटर, जो कि हमारे साथ ही चलता रहेगा, जिससे हमारी मुलाकात होगी, फाइट भी होगी इसके साथ। तो इसका नाम मैं देने वाला हूँ बंटी, देने का सोच रहा हूँ। बंटी कैसा लगेगा? चलो भाई सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भाई टाइप करना बड़ा मुश्किल है। और चलो भाई, बंटी यहाँ पे हमने टाइप कर लिया आखिरकार, इसे भी मैंने स्किप किया है। चलो यार, यहाँ पे इसका नाम बंटी, हाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हमारा राइवल है बंटी। तो यार यहाँ पे चलो यार गेम के अंदर चलते हैं, यानी कि हमारी जर्नी की शुरुआत होने वाली है। चलो यार, अभी पिकाचू हमें लेके जाएगा टीवी के अंदर। रैडर प्लेस माई बॉय, योर वेरी पोकेमोन टेल इज अबाउट टू अनफोल्ड। हम लोग एंटर करने जा रहे हैं पोकेमोन की दुनिया में, लेट्स गो। और क्या होने वाला देखते हैं। ये क्या हुआ, सामने टीवी रखा हुआ है क्या? ये क्या है भाई? ओके, ये कहाँ आ गए हम लोग? अच्छा, ये हम हैं, हम लोग गाइस अपने जर्नी में आ चुके हैं। और आई थिंक ये जो घर है, ये रूम है, ये हमारा रूम है, खुद का रूम। और सामने इट्स अ निंटेंडो स्विच, इट इज़ कनेक्टेड टू द टीवी। भाई मैं अभी टीवी में कनेक्ट करके खेल रहा हूँ, वरना मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करता। और यहाँ पे ये देखो, हमारा रूम कुछ ऐसा दिखने में है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। देखो भाई, निंटेंडो स्विच का डॉक भी लगा हुआ है, यहाँ पे कंट्रोलर तक है। ये रहा हमारा पीसी, देखते कैसा पीसी है। देयर इज एन ईमेल फ्रॉम बंटी, बंटी से ईमेल आया है, ए बटन दबाने से आएगा भाई। ओके, बंटी ने मेल किया है कि भाई आज ही वो दिन है जब हमें इसी दिन भाई अपना स्टार्टर पोकेमोन मिलेगा, जिससे कि हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक ग्लोब लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। चलो यार, यहाँ पे बंटी आने वाला है। ओके, आई एम कमिंग अप, आ जा भाई, तेरा ही घर है। यहाँ पे आ चुका है बंटी। गुड मॉर्निंग रेडर प्लेस, व्हाट्स गोइंग ऑन? You have got one weird look on your face. अरे भाई, मेरे मुंह में क्या हो रखा है, क्या दिख रहा है इसे भाई? Today's finally the biggest day. आज भाई बहुत बड़ा दिन है ट्रेनर्स के लिए, क्योंकि हमें अपना पहला पोकेमोन मिलने जा रहा है। और ये बोल रहा है जो इसने मेल सेंड किया था, क्या हमने देख लिया? हाँ भाई, मैंने देख लिया है। चलो यार, ये बोल रहा है प्रोफेसर ओक के पास चलते हैं। चलो यार, अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं और अपना घर भी देखते हैं।
चलो यार यहाँ पे डाउन स्टेयर्स चलते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर, मतलब नीचे वाला फ्लोर, डाउन फ्लोर। और यहाँ पे भी एक टीवी लगा हुआ है भाई, लेकिन यहाँ पे निंटेंडो नहीं है। ये हमारी मम्मी है शायद। ऑफ यू गो टू प्रोफेसर ओक। ओके, हम ये भी बोल रहे हैं कि पहला पोकेमोन अभी हमें मिलने जा रहा है। ओके, हम लोग घर के बाहर आ चुके हैं। हमारी दुनिया जो है कुछ ऐसी दिखने में, हमारा जो सोसाइटी है यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मतलब वो भी बन रखे, घर बन रखे हैं, रिसर्च सेंटर बहुत बहुत कुछ है। और मुझे सबसे पहले जानना है कि भाई प्रोफेसर ओक का भाई जो रिसर्च सेंटर है वो है कहाँ, जहाँ से हमें पोकेमोन मिलेगा। तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा भाई। ग्राफिक्स देख रहे हो, ग्राफिक्स लेवल तो भाई एकदम शानदार से भी शानदार भाई साहब। यहाँ पे इस लड़की से बात करते हैं। आई एम रेजिंग पोकेमोन टू, व्हेन दे गेट स्ट्रांग दे विल एबल टू प्रोटेक्ट मी। तो भाई पोकेमोन है थोड़ी ना अभी तेरे पास, ये किसका घर है? चलो भाई इसके अंदर चलते हैं। हेलो, ये कौन है भाई? अच्छा, ये बंटी की सिस्टर है। लुकिंग फॉर बंटी, ही वेंट टू पिक यू अप। ओके, वो निकल चुका है ऑलरेडी पोकेमोन लेने के लिए। चलो भाई हम भी निकल लेते हैं। हम क्यों भाई लेट कर रहे हैं? सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा प्रोफेसर ओक का रिसर्च सेंटर कहाँ है यार। ये है क्या? इसके अंदर चलते हैं। चलो भाई, हेलो, आई थिंक यही है। ओके, तीन पोकेबॉल भी, मतलब दो पोकेबॉल भी सामने रखे हुए और मिडिल वाला पोकेबॉल गायब है। चलो बंटी से पूछते हैं यहाँ पे प्रोफेसर ओक कहाँ है। प्रोफेसर ओक इजंट हेयर, वो यहाँ नहीं है भाई, वो ना बाहर जा रखे हैं। तो भाई ये बोल रहा है मुझे वेट, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं तो मुझे एक पोकेबॉल तो चाहिए ही चाहिए अभी के लिए। तो प्रोफेसर ओक जो है ना वो बाहर जा रखे हैं। तो ये देखो, तो अंदर कुछ कुछ पोकेबॉल भाई एक मशीन के अंदर रखे हुए हैं, इनमें भी शायद पोकेमोन होंगे, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। जो वहाँ पे दो पोकेबॉल रखे हुए हैं ना उनसे मिलेंगे। ये मैडम भी बोल रही कि प्रोफेसर ओक अभी बाहर जा रखे हैं, तो प्रोफेसर ओक से हमें सब जल्दी से जल्दी मिलना पड़ेगा। वो बाहर असल में होंगे कहाँ, ये इन अंकल से पूछ सकते हैं क्या? नहीं 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 पता होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये रहे ओक, हमारे प्रोफेसर ओक क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पे गाइस ये पीजी, उनके सामने तीन पीजी उड़ रहे हैं। अरे भाई ये उड़ के भाग भी गए, लगता है ये उनके साथ कुछ बातें कर रहे थे, उन्हें फीड कर रहे थे। इजंट रेडर प्लेस, ये हमें पहचान गए, आई थिंक इन्होंने हमारा नाम सुना होगा। ओके, हेलो प्रोफेसर ओक, और आई प्रोमिस टू गिव यू एंड बंटी योर फर्स्ट पोकेमोन। ओके, हमें ये पहला पोकेमोन देने जा रहे हैं। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? ओ भाई ये क्या है, जंगल के अंदर से पिकाचू निकल के आया। ओके, पिकाचू ने हमें देख लिया। ओ भाई अब हम लोग पिकाचू के ऊपर पोकेबॉल फेंक के कैच करने जा रहे हैं। ओके, यू एनकाउंटर्ड अ वाइल्ड पिकाचू। चलो भाई यहाँ पे वो बोल रहे हैं हम इसे कैच कर सकते हैं, अगर हमने कैच कर लिया तो ये हमारा पहला पोकेमोन बन जाएगा भाई। चलो भाई लेट्स गो, यहाँ पे हम लोग कैच करते हैं। कैच करने के लिए ना होल्ड योर जॉयस्टिक जॉयकॉन हॉरिजेंटली, सामने जो टीवी स्क्रीन है उसके सामने ऐसे सीधा रखना है, और ऐसे थ्रो मतलब स्विंग करना है, ऐसे घुमाना है जिससे कि पोकेबॉल हम लोग फेंक सकें। तो यहाँ पे गाइस दोबारा से फेंकते हैं, इस बार तो नाकाम रहे। ओके नाइस, भाई साहब फेंक दिया मैंने, लिटरली अपना पहला पोकेबॉल फेंका। ओके, हमने पिकाचू को कैच कर लिया यार। यू कॉट अ पिकाचू, हमारा पहला पोकेमोन भाई, और हमारा पहला जर्नी का पार्टनर। चलो यार ये देखो, इस पोकेबॉल के अंदर पिकाचू है। दैट वॉज प्रिटी फाइन परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट टाइमर माई बॉय। यहाँ पे हमारी तारीफ हो रही है। वाई डोंट यू पिक अप दैट पोकेबॉल, इसमें तो पिकाचू है ना। ये क्या हो रहा है भाई, पोकेबॉल उछलने क्यों लग गया यार, उछल क्यों रहा है? एक सेकेंड, ओ भाई ये तो रॉकेट रोल होके निकल गया। चलो भाई इसे ढूंढते कहाँ गया ये पोकेबॉल। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कट सीन चल रहा है। ओके आई थिंक ये जो पोकेबॉल है ना मिडिल वाला, ये मिडिल वाला ही हमारा पिकाचू है। चलो गाइस यहाँ पे भाई बंटी का भी वेट नहीं हो रहा है, और बंटी को भी प्रोफेसर ओक ने बताया कि भाई हमने जो अपना पहला पोकेमोन है ना भाई, खुद कैच करके उसे पकड़ा है, मतलब खुद का बनाया है। चलो यार यहाँ पे टेक दैट पोकेबॉल एंड कीप गुड केयर ऑफ इट।
ओके वहाँ पे हमारा पिकाचू है। वेयर डू यू थिंक के यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा पोकेबॉल लेने के लिए। यहाँ पे हमारा पिकाचू आई थिंक, ए दबाएंगे। ओके तो इसके अंदर हमारा पिकाचू होगा पक्का, देख लेना। ओ भाई ये देखो हमारा छोटा सा पिकाचू भैया पोकेबॉल से निकल के आ गया। आई थिंक ये पोकेबॉल में नहीं रहेगा, ये हमारे उंगलियों को सूंघ रहा है और हमें इसने हमें पहचान लिया है। ये देखो ओके अब पिकाचू हमारा पहला पोकेमोन बन चुका है। मुझे नहीं पता बंटी को कौन सा पोकेमोन मिला होगा, आई थिंक मिलने वाला है, अभी तक उसे मिला नहीं है। पिकाचू बिकेम योर पोकेमोन। ओके हमने लिटरली हमने पहले पोकेमोन को भाई कैच करके पकड़ा है लिटरली। भाई किसने दिया नहीं है कैच, खुद हमने कैच किया है भाई। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था भाई पिकाचू को नेम करें क्या, बिल्कुल भी नहीं यार, पिकाचू को पिकाचू ही रखेंगे ना, उसका नाम कुछ रॉबिन वगैरह ऐसा थोड़ी ना दे देंगे। पिकाचू तो बेस्ट ही है। ओके बंटी गॉट एन ईवी फ्रॉम प्रोफेसर ओक, बंटी को ईवी मिला। अच्छा भाई ईवी, अच्छा वो जो बहुत सारे अलग अलग उसके जो इवोल्यूशंस होते हैं। वन मोर थिंग, आई थिंक प्रोफेसर ओक हमें एक और चीज़ हमारे जर्नी के लिए देने जा रहे हैं, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज व्हाट इज दैट थिंग प्रोफेसर, दिस इज पोकेडेक्स आई हैव डिजाइंड। पोकेडेक्स तो आप सभी को पता ही होगा अगर आप पोकेमोन वॉचर हो यानी कि पोकेमोन फैन हो, क्योंकि वैसे पोकेडेक्स में ना सारे पोकेमोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है और जो भी पोकेमोन आप कैच करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आ जाता है और उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड भी हो जाता है सारा कुछ भाई। वैसे पोकेडेक्स भी बहुत काम आने वाला है हमारी जर्नी में। चलो यार यहाँ पे ये बोल रहे कि मैं अभी बहुत बुजुर्ग आदमी बन चुका हूँ, लेकिन मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं एक ट्रेनर बन पाऊँ, लेकिन कोई नहीं तुम दोनों को मौका मिला है, जाओ अपनी जर्नी में और बन जाओ एक पोकेमोन सक्सेसफुल पोकेमोन ट्रेनर। ओके बंटी तो पहले से ही निकल गया यार जर्नी में, थोड़ा सा वेट तो करता बातचीत करके निकलते यार। ओके हम लोग बाहर आ चुके हैं, ये देखो हमारा छोटा सा पिकाचू हमारे पीछे दौड़ रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे गाइस हमारा छोटा सा पिकाचू भाई पीछा कर रहा है हमारा। तो ये पोकेबॉल में तो रहता नहीं है भाई, कभी कभी ये पोकेबॉल के अंदर चले जाता है, एक बार देखना। पिकाचू इज स्टेयरिंग एट योर फेस, मतलब मुस्कुरा रहा है। ओके जहाँ पे मेरे भी हम लोग जाएंगे ना ये हमारा पीछा करेगा। चलो भाई उधर की तरफ चलते हैं, जंगल की तरफ। एक सेकेंड ये क्या है, ये रूट वन में गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके चूहा इसे हम लोग कैच कर सकते हैं, ये रैटाटा है आई थिंक। चलो भाई इसे कैच करते हैं, हमारा सेकंड पोकेमोन जिसे हम लोग कैच करने जा रहे हैं। ओके जो मैंने सोचा था वही निकला, रैटाटा है ये चूहा पोकेमोन। तो यहाँ पे गेट रेडी करते हैं, यहाँ पे आएंगे पोकेबॉल। कैच हो जा भाई, कैच हो जा प्लीज। हो गया, ओ माई गॉड हमने रैटाटा को भी कैच कर लिया है भाई, मज़ा ही आ गया। चलो यार यहाँ पे पिकाचू भाई हमारा फीमेल पिकाचू है और बहुत मतलब सारे बंदों को ना पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू को पिकाचू में सभी बंदों को लिटरली फीमेल पिकाचू मिलती है, पता नहीं क्यों यार, लेकिन मेल पिकाचू मिलना चाहिए। लेकिन पिकाचू में फीमेल और मेल का कोई फ़र्क है ही नहीं पहली बात। एक सेकेंड ये चिड़िया, ये पिजी थी शायद, लगता है ये जो जंगल है ना जंगल एरिया, इसी जंगल एरिया में हमें बहुत सारे पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे और हम उन्हें कैच भी करेंगे। तो ये हमारा पार्टी है, पार्टी पर क्लिक करने से हमारे टीम में जो पोकेमोन है वो अपीयर हो जाएंगी। ये देखो चेक समरी कर सकते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये देखो हमारा रैटाटा, और स्विच करने से ये देखो ये है हमारा पिकाचू। फिलहाल दो पोकेमोन है हमारे पास और अभी हम लोग चलते हैं जंगल में। ओके जंगल में चलते हैं। ओके भाई और कौन सा पोकेमोन हम लोग कैच कर सकते हैं। ओके पिजी, यू एनकाउंटर्ड अ वाइल्ड पिजी। ओके यहाँ पे वही काम करेंगे, एक पोकेबॉल सही से मारेंगे। ओ भाई मिस हो गया यार, पोकेबॉल वेस्ट भी होते हैं यार, पता मुझे नहीं पता फिलहाल मेरे पास कितने पोकेबॉल है। नाइस यहाँ पे कैच होने वाला है, हो जाए यार प्लीज। अपना थर्ड पोकेमोन कैच हो चुका है और फिलहाल अभी हमारे पास तीन पोकेमोन है। चलो यार हमने पिजी को भी कैच कर लिया और लिटरली इस गेम के अंदर ना मेगा इवोल्यूशन वगैरह सारा कुछ, लेजेंडरी पोकेमोन से लेकर मेगा इवोल्यूशन बहुत कुछ है भाई इस गेम के अंदर। आगे जाके जर्नी में सारा कुछ करेंगे, ये तो शुरुआत है। चलो यार हमारे पोकेडेक्स में भाई पिजी का जो रिकॉर्ड है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है,
चलो यार यहाँ पे जंगल से निकल के मुझे सामने आगे एक बच्चा दिख रहा है मुझे, एक सेकेंड, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा क्यों है? ओके हेलो बोलते हैं इसे। ओके हेलो बच्चे, क्या कर रहा है? यू हैव गॉट अ प्रीटी स्वीट पोकेमोन। इस बच्चे को अभी तक पोकेमोन नहीं मिला यार, इसकी उम्र तो देखो यार, इसे कहाँ से पोकेमोन मिलेगा यार। ये भी बड़ा हो गया, ट्रेनर होने का सोच रहा है, लेकिन ये इस बेचारे को अभी तक पोकेमोन नहीं मिला है। ओके वर्डियन सिटी में हम लोग आ चुके, ये रहा वर्डियन सिटी। ओके ये क्या है, एक सेकेंड, ये भाई बहुत कुछ बना हुआ है यहाँ पे, तो बढ़िया बढ़िया से घर। ओके ये क्या देख रहा हूँ मैं, उधर टीम रॉकेट थी यार। हेलो यू केम अप फ्रॉम पैलेट टाउन? हाँ मैं पैलेट टाउन से आया हूँ। क्या हो गया भाई अचानक से? यू मस्ट नो प्रोफेसर ओक। हाँ भाई उन्होंने ही तो मुझे पोकेमोन दिया, अपना पहला पोकेमोन। आई हैव गॉट अ डिलीवरी फॉर हिम बट आई रियली कैंट लीव। तो ये अंकल हमें बोल रहे हैं कि क्या हम ये पार्सल उन्हें दे सकते हैं? हाँ अगर हमने दे दी तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलो यार ऑब्वियसली हम लोग किसी की हेल्प कर, मैं भाई हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि भाई साहब उन्हें परेशानी आ रही है, तो यहाँ पे उनकी हेल्प करेंगे, पार्सल दे देते हैं। तो यहाँ पे गए प्रोफेसर को हम लोग पार्सल देने जा रहे हैं। एक सेकेंड ये क्या हुआ, क्या हो रहा है? पिकाचू हमारे कंधे पर आ गया। ओ भाई ये बढ़िया है ना, अब ये अब से ये हमारे कंधे पर ही रहेगा, अब ये नीचे नहीं आएगा मुझे लगता है। चलो भाई पिकाचू सिंसियर लाइक इट्स रियली कम टू योर ट्रू ट्रेनर। ओके पिकाचू को एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनर मिल गया है। ओके ये हमें थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि हमने इनका ऑर्डर हमें ऑर्डर इन्हें पहुँचा दिया है, और उन अंकल की भी हमने हेल्प कर दी है जिन्होंने हमें कहा था। उसके बदले कुछ रिवॉर्ड तो मिलेगा ही आई थिंक। हमें मिला है रैसबेरीज, और कैचिंग पॉकेट में जाके रैसबेरी सेव हो जाता है। ओके आई विल स्टॉप यू राइट देयर सन व्हेन यू कम टू कैच अ पोकेमोन, ट्राई थ्रोइंग वन ऑफ दोज टारगेट। ये तो हमें पता है यार पोकेबॉल से पोकेमोन कैसे कैच करना है, बस जो जॉयकॉन है उसे स्विच करो, मतलब स्विंग करो, बस पोकेबॉल फेंको और सही डायरेक्शन में वो जाना चाहिए पोकेबॉल, तब जाके कैच होता है। ओके यहाँ पे बंटी भी है हमारे साथ। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, और भी काम है। एक सेकेंड बंटी ने हमें क्यों रोका? वेट अप, कम ऑन रेडर प्लीज, यू डू नो यू कैन डू मोर विथ पोकेमोन। हाँ ये बोल रहा है, क्या हमें पता है, क्या तुम्हें पता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं पोकेमोन के साथ? ओके हम लोग बैटल भी कर सकते हैं। अरे यार ये तो पता थी मुझे, लेकिन ये नहीं पता था कि यार बंटी हमसे बैटल करेगा। इट्स बैटल टाइम। चलो यार अभी हम लोग अपना पहला पोकेमोन बैटल करने जा रहे हैं। चलो यार यहाँ पे ये देखो भाई ग्राफिक, जरा ग्राफिक्स पर नज़र मारो यार, कितने कमाल के ग्राफिक्स है भाई। इसे तो मैं 10 में से 10 ही रेट दूंगा। यहाँ पे इसका पहला पोकेमोन है ईवी, और ईवी वर्सेस पिकाचू बैटल स्टाइल भी देख रहे हो भाई, ग्राफिक्स स्पेशली कितने ज़्यादा कमाल के हैं। यहाँ पे पोकेमोन स्विच कर सकते हैं, मैं लिटरली अपना पहला पोकेमोन बैटल खेल रहा हूँ। ओके भाई पोकेमोन स्विच करें क्या? ओके गो पीजी। ओके तो टैकल मार रहा है, फाइट करेंगे, टैकल मारेंगे सीधा, सैंड अटैक तो कुछ काम ही नहीं देता। ओके ग्रोल, भाई साहब इसके ग्राफिक्स लिटरली भाई बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है यार, बहुत कमाल का है भाई। निंटेंडो वालों ने बहुत ज़्यादा मतलब निंटेंडो के अंदर पोकेमोन गेम स्पेशली ऑप्टिमाइज होते हैं, जो कि और भी जिनके और भी बढ़िया ग्राफिक्स होते हैं और भी स्मूथली चलते हैं। तो यार यहाँ पे पोकेमोन स्विच करते हैं क्योंकि पीजी ज़्यादा मार नहीं पा रहा है, ज़्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा है। अब यहाँ पे पिकाचू की बारी है, यहाँ पे गो पिकाचू। ये देखो हमारा पिकाचू आ चुका है, उसकी एंट्री देखी आप लोगों ने। ईवी यूज्ड ग्रोल, ओके ग्रोल कर रहा है, ग्रोल से कुछ नहीं होने वाला यार मेरे भाई, टैकल वगैरह कुछ तो कर ले। अब देखना भाई कैसा बिजली का झटका मारूंगा, थंडर शॉक भाई साहब बिजली के झटके से भाई साहब कमाल का डैमेज दे रहा है भाई हमारा पिकाचू। चलो भाई अब बिना देरी किए इसे ख़त्म करते हैं पिकाचू। ये जो ग्रोल कर रहा है ना भाई, मेरा जो अटैक लेवल है वो कम होते जा रहा है, इसलिए भाई देखो भाई डैमेज काफ़ी कम जा रहा है सामने वाले पर, ये देखो, वरना एक शॉट से ही ना उड़ा देता मैं इसे। चलो यार यहाँ पे दोबारा से ग्रोल, यार दूसरा हमला नहीं दिखता क्या तुझे बंटी के बच्चे?
जो छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पे करेंगे थंडर शॉक, टेल विप है और ग्रोल है। चलो भाई हम भी थोड़ा सा ग्रोल करते हैं, ग्रोल। ओके, इससे भी इसका अटैक थोड़ा सा फेल हो गया, मतलब कम हो गया। ये भी ग्रोल करा जा रहा है भाई, ग्रोल ही है क्या इसके पास? शुरुआत में इसने एक बार टैकल भी किया था भाई, टैकल क्यों नहीं करता यार? अब देखना थंडर शॉक, एक सेकंड, टेल विप भी है मेरे पास, इससे क्या होता है भाई? अपनी पूंछ क्यों दिखा रहा है सामने वाले को? अच्छा, इससे क्या होता है पता है? अगर हम लोग करते हैं सामने वाले पोकेमोन का जो डिफेंस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे सीधा करेंगे हम लोग सीधा थंडर शॉक मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे थंडर शॉक। ईवी खत्म होते होते बज गया यार, क्यों भाई, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई? खत्म क्यों नहीं हुआ भाई यार? यहाँ पे दोबारा से मारेंगे थंडर शॉक, आखिरी शॉट, बिजली का झटका, खत्म। और ये फाइट हम लोग जीत चुके हैं। ऑपोजिट ईवी फेंटेड, यानी कि ईवी को हमने हरा दिया है। और इसके पास फिलहाल एक ही पोकेमोन था। ओके, हमारा जो पिकाचू है लेवल 6 का बन चुका है। ओके, हमारा ये मुझे नहीं पता था कि इस गेम के अंदर पोकेमोन का लेवल अप भी होता है। जैसे कि हमारा पिकाचू भाई, जितना हम लोग फाइट करते जाएंगे ना भाई, हमारे पोकेमोन का उतना लेवल बढ़ता जाएगा, एक्सपी बढ़ता जाएगा। और क्विक अटैक लर्न कर लिया हमारे पिकाचू ने, क्विक अटैक तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, बंटी बोल रहा है डिड आई लूज? हाँ भाई, तू हार गया। चलो भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन भाई ये इस बैटल का विजेता मैं ही हूँ यार, इसे शर्म आ रही है। ओके देयर वन, ओके ये फाइट तो हम लोग जीत गए, लिटरली पहला फाइट। ओके भाई, बंटी ने कहा कि हम लोग आगे जाके पक्का लड़ेंगे और अगली बार ये हमें हराएगा, चलो देखा जाएगा। और प्रोफेसर ओक ने कहा कि बहुत ही बढ़िया है कि तुमने अपना पहला पोकेमोन बैटल खेला और जीत भी गए। ओके यार, इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं। इसका पार्ट 2 चाहते हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी कमाल की गेमिंग कंटेंट्स के लिए, और बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आगे जाके बहुत सारी अलग अलग जर्नीज हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि जर्नी अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो यार वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।